एक फोन की वजह से सुष्मिता सेन और रोमन शॉल के बीच नजदीकियां बढ़ी। एक मैसेज से शुरू हुई इनकी प्रेम कहानी। रोमन शॉल सुष्मिता से 15 साल छोटे हैं, लेकिन रोमन ने सुष्मिता से छुपाई थी अपनी उम्र। सुष्मिता सेन और रोमन शॉल बॉलीवुड इंडस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कपल्स में से एक है। इनकी लव स्टोरी जितनी रोमांटिक है उतनी ही इंस्पायरिंग है। इंस्पिरेशन इसलिए क्योंकि 15 साल एज गैप पर रोमन शॉल ने रख दी अपनी राय, बताया परिवार का रिश्ते पर रिएक्शन। आज जानते हैं कैसे सुष्मिता सेन की जिंदगी में आए रोमन शॉल। ग्रैबिंग आईबॉल्स। फॉर्मर मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्टर सुष्मिता सेन की दुनिया में अनगिनत चाहने वाले हैं। इसके अलावा सुष्मिता ना ही केवल अपने फिटनेस से लोगों को इंस्पायर करती है, बल्कि वो जानी जाती है अपने सिंपल नेचर और खूबसूरत सोच के लिए। लेकिन जब से वो रोमन शॉल के साथ जुड़ी, तब से ही दोनों चर्चे में है। इसकी एक वजह है उनका एज गैप। रोमन सुष्मिता से 15 साल छोटे है। हालांकि दोनों के बीच की केमिस्ट्री आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होने देती। इस पर अक्सर सवाल उठते हैं। इस पर रोमन ने रिएक्शन भी दिया है, जो कि हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। जब दे मेट। कई आर्टिकल्स में आपने पढ़ा होगा कि रोमन और सुष्मिता की लव स्टोरी फैशन शो के दौरान शुरू हुई थी। हालांकि सुष्मिता एक इंटरव्यू में बता चुकी है कि कैसे टेक्स्ट मैसेज की वजह से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। सुष्मिता ने बताया था कि रोमन ने उनको इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज किया था। सुष्मिता मैसेज चेक नहीं करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि मैसेज चेक करने से लोगों को उनसे इंटरेक्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। अब टच स्क्रीन फोन की वजह से वो डीएम में गलती से पहुंच गई और चेक करने लगी। स्क्रॉल करते करते उन्हें रोमन का मैसेज दिखा और सुष्मिता उनसे चैट करने लगी। रोमन सुष्मिता सेन के बहुत बड़े फैन है। उन्हें मैसेज भेजने के बाद रोमन को जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सुष्मिता उनके पर्सनल मैसेज का जवाब भी देंगी। लेकिन रोमन का लिखा संदेश सुष्मिता को इतना पसंद आया कि उन्होंने रिप्लाई कर दिया। सुष्मिता's रिप्लाई टू रोमन्स टेक्स्ट। सुष्मिता ने रिपोर्टेडली बताया कि उन्हें रोमन बहुत जोशीले इंसान लगे। रोमन का मैसेज पढ़कर उन्होंने मैसेज किया, शुक्रिया, आपके मैसेज ने मेरा दिन बना दिया। आपके लिए दुनिया भर की खुशियों की कामना करती हूँ। रोमन सुष्मिता का जवाब देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मैसेज करके लिखा, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में कूदता घूम रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे जवाब दिया है। रोमन्स मीटिंग विद सुष्मिता। रोमन मुंबई आने के 2 साल बाद सुष्मिता से मिले। बताया जाता है कि रोमन शुरुआत में सुपर मॉडल बनने का सपना देखते थे। उन्होंने रिपोर्टेडली बताया कि सुष्मिता से मिलने के बाद उनमें इंसान के तौर पर बदलाव आया। वो बताते हैं, मेरी जड़ें कश्मीर से जुड़ी है, लेकिन मैं नैनीताल में पला बड़ा हूँ। मैंने बचपन में वही पढ़ाई की, फिर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए देहरादून चला गया। मेरे कॉलेज के आखिर में एक दोस्त ने मॉडलिंग के बारे में बताया। 5-6 साल बाद मैं मुंबई आ गया और 2 साल बाद मेरी मुलाकात सुष्मिता से हो गई। When Roman hid his age। शुरुआत में रोमन ने सुष्मिता से अपनी उम्र छिपाई थी। ये तब की बात है जब सुष्मिता यूएस के लिए निकल रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी। वो बताती है कि जब रोमन से पहली बार मिली तो लगा कि वो उन्हें जिंदगी भर से जानती थी। रोमन ने शुरुआत में सुष्मिता से अपनी उम्र भी छिपाई थी, लेकिन अब उनका मानना है कि रोमन बहुत समझदार है और वो किसी चीज को कंडीशन से नहीं बांधती। रोमन्स रिएक्शन टू एज गैप। एक इंटरव्यू में रोमन ने अपनी फैमिली के रिएक्शन और 15 साल के एज गैप पर बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने शुरुआत में अपने परिवार को कुछ नहीं बताया था, बल्कि परिवार को मीडिया में तस्वीरें आने के बाद पता चला। रोमन बताते हैं, मेरा परिवार बहुत समझदार है और मेरे हर फैसले में साथ है। रोमन के पिता रिया शॉल ने अमर उजाला को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि परिवार वालों को दोनों की शादी से कोई एतराज नहीं है।
रोमन ने अपने बल पर ये मुकाम हासिल किया है। एज गैप पर रोमन ने कहा, पुरुषों को मैच्योरिटी चाहिए होती है क्योंकि वो किसी भी उम्र में मैच्योर नहीं होते। जब एक स्ट्रॉन्ग महिला आपके जीवन में आती है तो एहसास होता है कि आप बहुत कुछ करने में सक्षम हैं। रोमन्स थॉट्स अबाउट मैरिंग सुष्मिता। जब सुष्मिता से शादी के प्लान के बारे में पूछा गया तो रोमन ने रिपोर्टेडली बताया कि सुष्मिता उनकी बेटियां और मैं परिवार की तरह ही है। मैं बच्चों के पिता की तरह हूँ। कभी मैं उनका दोस्त बन जाता हूँ और कभी उनसे झगड़ता भी हूँ। हम एक सामान्य परिवार की तरह रहते हैं और इसे एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए हम इस तरह के सवालों में नहीं पड़ते कि आप शादी कब कर रहे हो। जब शादी होगी हम इसे छिपाएंगे नहीं। सुष्मिता's रिएक्शन ऑन मैरिज। सुष्मिता अक्सर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक लाइव सेशन करती रहती है। इन्हीं में से एक लाइव सेशन में उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड रोमन भी थे। इसी दौरान सुष्मिता के एक फैन ने उनसे शादी को लेकर सवाल कर लिया। देखिए वीडियो। When are you going to get married? Or when are you getting married? When am I getting married? पूछ के बताते। हम नेबर से पूछ के बताते हैं। वेल, सुष्मिता सेन भले ही सेलिब्रिटी होने के साथ ही दो बेटियों की मॉम भी है। उनकी काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी है क्योंकि उन्होंने जिंदगी में सब कुछ अपने दम पर ही हासिल किया है। रोमन ने सुष्मिता के लिए अपने प्यार को देखा। उन्होंने सिर्फ सुष्मिता को ही नहीं बल्कि उनकी दोनों बेटियों को भी अपने दिल में जगह दी। और यही तो प्यार होता है, जिसमें आप सामने वाले को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं। इन्हीं कुछ वजहों से इनकी लव स्टोरी रोमांटिक के साथ साथ एक मिसाल भी है जो कि काफी हद तक इंस्पिरेशनल है। क्या इनकी जोड़ी आपको पसंद है? क्या आपको इनकी लव स्टोरी दिलचस्प लगी? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।